अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये है मुंबई पहुंच के मेरा सुबह का पहला नाश्ता। यहाँ पर सास मेरी टोपे वोपे पहन के देखो बैठी है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको सर्दी लगती है। यहाँ पर मैं और सास दोनों नाश्ता कर रहे थे और उनसे बातें भी कर रहे थे। तो देख ही लिया, अपनी सास से मिल ली, वहाँ पे मैंने नाश्ता किया। सबसे पहले उधर के मैं नहाई क्योंकि ट्रेन से उधर के ऐसा लगता है नहा लो, तो मैं नहाई, साथ नहाया वहाँ पे नाश्ता करने के बाद। फिर मैं अपनी बड़ी भाभी के घर पे आ गई हूँ दूसरे बिल्डिंग में, तो यहाँ पे बैठी हूँ, उनसे बात बात करी। अभी खाना खाएंगे हम लोग, जोर की नमाज़ पढ़ी है अभी हमने, और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। थोड़ा सा सो के उठूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी बड़ी थकान थकान सी महसूस हो रही है। इस घर का नया मेम्बर है, इसका नाम रखा है कुछ फिशू, इसका नाम फिशू है। ज़्यादा मेहनत नहीं करी, फिश से फिशू कर दिया। तो ये इसका घर है, तो मैं इसको बोली भाभी को, एक मिनट में दिखाती हूँ, पहले आप इससे मिल लो। फिशू, इसकी मूंछें भी हल्की हल्की, ये मेल ही है शायद। देखो एडवाइस दी मैंने भाभी, मच्छी एक मत रखो। देखो हर किसी को जोड़ा पसंद होता है, हर किसी के साथ में उसका दो हमसफर होना चाहिए, ये मच्छी अकेली है। तो भाभी बोली हाँ ये बात तो सही है, एक मच्छी और ले आते हैं। मैंने एक मच्छी और लिया हो तो क्या, दो रहेंगे तो साथ में खेलेंगे, मस्ती मजाक करेंगे वो लोग भी, तो अकेले अकेला बोर हो जाता है। अब ये नहीं पता ये मेल है कि फीमेल है, अगर ये मेल होगा तो हम फीमेल लेके आएंगे, अगर फीमेल होगी तो हम मेल लेके आएंगे, मतलब इसके हम लोग जोड़ा बना देंगे ताकि इनकी भी एक फैमिली गृहस्थी बन जाए यहाँ पे। तो अभी देखते हैं आगे क्या करेंगे, आपको दिखाऊंगी जरूर मैं। बैग लंबी लंबी बैग, ताकि हमारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग रहे। तू लंबी लंबी बैगता है, शेर पालेगा ये किधर किधर, कैसे पालेगा शेर किधर किधर के सरवा रही है, नहीं दुल्हन की इतना किधर सरवा के रात है, किधर क्या क्यों सरवा रहा, नहीं दुल्हन भी सरवाती है आजकल तो, उनका मेकअप खराब हो जाते हैं ना। खान सच चुका है, अब हम लोग खाएंगे खाना। खाने में क्या है? अरे वाह मेरे फेवरेट सब्जी, मेथी आलू है। अरे बाप रे, कब से मैंने मेथी आलू नहीं खाई है भाभी। अभी हमारे यहाँ मेथी आलू आ नहीं रही है हमारे आगरे में, मुझे बहुत पसंद है मेथी आलू, मेथी के पराठे मुझे बहुत पसंद है। इधर तू क्या खाएगा? नहीं बैठ जा चल। कुछ ये क्या भाभी, ये कहाँ से खजूर है, कहाँ के हैं ये, अलग लग रहे हैं, दो कलर के हैं। खाने से पहले खजूर खा लेती हूँ, इतना बड़ा खजूर ले लो। खा लिया खाना, खाने के बाद अब हम लोग वॉक कर रहे हैं बिल्डिंग के, ऐसे ऐसे से घूमेंगे तो वॉक हो जाएगी हमारी। रात के 1:15 बज रहे हैं, पूरा दिन में सिर्फ मैंने सोई हूँ और मैंने खाना खाया है और मैंने बातें करी हैं, कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि जब मिलो तो जाहिर सी बातें इतनी सारी बातें हो जाती हैं, उसी में लगे थे। आ जाओ सेब लेके बैठेंगे, अब सेब लेके बैठेंगे और बातें करेंगे बची खुची साथ। देखो ये रात में माँ जी भी ना अभी भी ना टोपा पहन के सोंगी, टोपा पहन के सोंगी तुम, टोपा बांध के सोगी ना, तुम टोपा बांध के सोगी ना, मेरे को सुनाई कब देता, तुम ये टोपा बांध के सो जाओगी है ना, इसको बांध के रात भर मैं सो जाऊंगी, इसको पहन के सोगी ना, उतारोगी तो नहीं। हाँ ये इसको ठंडी सी लग रही है, अभी बोली टोपा पहन के सोगी। ये सर को चलो ला पे छीलू भाभी, देना छिलका माजी को सेब काट दो। अरे मोजी भी पहनी है, माजी ने मोजी भी पहन रखे, अभी देखो मेरी सास भी सो रही है और खिजर भी सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आज मुंबई में मेरा दूसरा दिन हो गया है और अभी सास भी सो रही है मेरी, क्योंकि मुंबई में क्या होता है ना सुबह सब पैर में उठ जाते हैं, पानी का टाइम होता है 5 बजे, पानी भरने के बाद फिर दोबारा डाइट सो जाते हैं, फिर थोड़ा लेट उठते हैं 10 बजे तक उठते हैं। तो मैं उठ गई हूँ, मैं तैयार भी हो गई, आप देख रहे होंगे। उसके अभी साथ भी तैयार हो रहा है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर मुमरा। जब भी मैं मुंबई आती हूँ तो अपने घर मुमरा में ज़रूर जाती हूँ, अपने किराएदार से मिलती हूँ, उठती हूँ बैठती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ से नाश्ता करूँगी, टैक्सी पकड़ूँगी, लोकल पकड़ूँगी और निकल जाऊँगी मुमरा, तो आपसे लोकल में मुलाकात होगी। मुंबई का सुबह का नाश्ता, ये हर घर में आता है, दिखाती हूँ आपको तोड़ के साथ। इधर जल्दी आ, सीधा खड़ा हो, बैठ। हम मुंबई का नाश्ता दिखा रही हूँ, ब्रूड पाव, हर घर में यही आता है यहाँ पर। हमारे यहाँ चलते पापे
ब्रेड और यहाँ पे ये चलता है गरम गरम है। देखो ये और ये देखो ऐप ये चलते हैं इस पर लगा के मक्खन लगा के। नमस्कार, के लिए ना इंतजार नहीं करना पड़ा, जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरी हूँ ना सामने मुझे टैक्सी दिख गई, तो अल्लाह का शुक्र है चलो जल्दी पहुँच जाएंगे स्टेशन। अब हम जा रहे हैं बाइक अल्लाह एक नंबर स्टेशन। लोकल में बैठ भी गए और मुंबई में आकर लोकल में नहीं बैठे तो क्या ही बैठे। और ये देखो लोकल में आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी, क्लिप्स कांटे से लेके इयरिंग रुमाल सब चीज़ें मिलती रहती हैं। बैठे बैठे आप अंदर अंदर शॉपिंग भी कर लो। जरूरत हो तो रबड़ की जरूरत थी तो मैंने याली कलर की रबड़ ली है। चलते समोसा पाव पैक करवा लिया है, बड़ा पाव पैक करवा लिया है और हम लोग पूरी ट्रेन में बैठ के खाएंगे लोकल में। हाँ मैं अपने घर आ चुकी हूँ, बस आके अभी बैठी हूँ और बहुत गर्म पड़ रहा है यहाँ पर अभी, तो बस पानी दिया है खाला ने अभी तो पानी पी रही हूँ, साथ नीचे खेल रहा है। आंटी हमारे लिए और अपने लिए खाना पका रही हैं। आंटी क्या बना रहे हो? दाल चावल और चना मसाला। ये आंटी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, खाना बना रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, मुंबरा में ना इतने सारे काम थे, मुझे पूरा दिन हो गया सुबह से, मैंने खाना भी नहीं खाया है, सिर्फ आंटी ने चाय बनाई थी तो चाय मैंने पी ली थी। तो अभी मैं गुरुपी होटल में आई हूँ जो कि पहले भी आया करते थे इस होटल में, तो यहाँ पे मैंने थाली ऑर्डर कर ली। जब भी मैं आती थी ना ये थाली में जरूर खाती हूँ। थाली हमारी पूरी है, साथ में ये सब्जी है, दाल है, ये दो तीन सब्जी हैं, रायता है, अचार है, ये मीठा है, मीठा कुछ है, साबुदानी खीर, इसमें चावल भी ऐड होंगे। जल्दी जल्दी खाना खाया है मैंने क्योंकि साथ घर पर था, इसलिए खाना अकेले ही खाया मैंने और अब खाना खा लिया घर जा रही हूँ, बस थकान बहुत हो गई है। ये हमारी बिल्डिंग की मस्जिद है। शाम के 6:30 बज रहे हैं फ्रेंड और बहुत ज़्यादा काम था मेरा, तो बहुत ज़्यादा, तो आपको चेहरे से ही पता चल रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फाइनली चलो अल्लाह का शुक्र है सबसे मिल ली, जो भी काम था हो गया। और घर में भी आना ज़रूरी होता है, देखो तो किराएदारों से मिलते रहो, उठते बैठते रहो, बातचीत करते रहो तो सही रहता है, तो उनसे बातचीत हुई मैं जा रही थी तो खाला ने बोला नहीं चाय पी के जाओ, तो मैं चाय पी के फटाफट मैं लोकल पकड़ती हूँ और टिकट भी मैं रिटर्न लेके आई थी तो टिकट मुझे लेना नहीं पड़ेगा, तो बस घर पहुँचती हूँ। और लोग खाला इतनी सारी चाय नहीं पी, आधी करवा रही, बहुत सारी है मक्का भर के ही, तो नहीं खाला नहीं सर में तो दर्द नहीं देगा, खाला को पता है मेरे सर में दर्द हो रहा है ना इसकी वजह से, नहीं कम कर देती हूँ खाला आधी है, नहीं तो ठंडी नहीं होगी ना फिर, है आधी तो बर्तन में कर दो खाला, जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल्दी निकलना है खाला। तो चाय पी के फिर हम अब वापस अपने घर जाना है। चलते समोसा पाव पैक करवा लिया है, बड़ा पाव पैक करवा लिया है और हम लोग पूरी ट्रेन में बैठ के खाएंगे लोकल में। स्टेशन पे तो आ गए हैं, 7:05 की गाड़ी लगाई है अभी लोकल, तो अभी सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए हैं। हम लोग लोकल में खाली मिली है। लोकल ट्रेन में बैठते ही हम दोनों ने अपना अपना बड़ा पाव समोसा पाव को एंजॉय किया, दोनों माँ बेटे बैठ के खा रहे हैं, पानी की बोतल भी मैंने ले ली थी और यहाँ पर मैं जा रही थी वापस ससुराल, शाम के 7:30 बज गए थे तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और जिससे मिलना था मिल भी ली, काम जो भी था वो भी काम मेरा हो गया, तो बस अपने वापस ससुराल जा रही हूँ। चैनल ब्लॉग मेरा अच्छा लगा सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।